राई हलके के विभिन्न गांव में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बरौली ने जन आशीर्वाद जनसंपर्क अभियान के तहत दौरा किया। इस दौरान मोहन लाल बरौली ने आमजन से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को जाना और अनेक विकास कार्यों की शुरुआत की। पालपुर गांव में 50 लाख रुपए स्टेडियम व्यायामशाला के लिए, 30 लाख रुपए कम्युनिटी सेंटर के लिए, 30 लाख रुपए अम्बेडकर भवन के लिए और कम्युनिटी सेंटर के कार्य कल ही चालू हो जाएगा और कई खेतों के रास्ते हैं और कश्यप चौपाल के लिए, प्रजापत समाज की चौपाल के लिए, इस प्रकार से गांव के करोड़ों रुपए से ऊपर के विकास के कार्यों की आज घोषणा की है और बिजली के तार कहीं लूज हैं तो उनको भी टाइट करवा के बिजली अच्छे से 24 घंटे लोगों को मिले, इस प्रकार की व्यवस्था, पीने के पानी की नाली गलियों की, स्कूल की भी डिमांड यहाँ इस गांव की आई है ताकि 5वीं तक के जो बच्चों के लिए तो को एजुकेशन का स्कूल है, 6ठी से सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो पुरुषों के लिए भी स्कूल के डिमांड इनकी आई है और स्कूल में जगह है, उसी स्कूल में व्यवस्था करवाने का आश्वासन मैंने दिया। इस दौरान मोहन लाल बरौली ने दौरे के दौरान की गई घोषणाओं के बारे में बताया और कहा कि जनता जो चाहेगी प्रदेश सरकार उसके अनुसार काम करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का पहला प्रदेश बना है जहां सभी फसलों पर MSP लागू किया गया है। आज राय विधानसभा का दीपालपुर गाँव जो जन आशीर्वाद संपर्क अभियान जो पूरे हरियाणा प्रदेश में है, आज दीपालपुर गांव के कुछ विकास के काम है, कुछ विकास के कामों की शुरुआत करनी है और कुछ कामों के यहाँ टेंडर हो रखे हैं, उन सब की जानकारी ली है और हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है उनकी जानकारी लोगों तक जाए, उस सारे प्रोग्राम में आज बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ आपके आंखों के सामने हुआ है और लोग सरकार की नीति से, नियत से, सरकार के कामों से खुश हैं। आज सभी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम में भाग लिया। गुजरात मॉडल की करने की, लागू करने की बात आप कर रहे हैं सर, वो किस तरह का मॉडल रहेगा और क्या उसमें कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ेगा? जनता जो चाहेगी वही काम सरकार करे, इस प्रकार के विकास की सरकार हरियाणा प्रदेश में है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। ये जन कल्याण की योजनाएं सरकार लागू करी है और लोगों ने इसको पसंद किया है। आज हरियाणा पहला प्रांत बना है जो किसान के द्वारा उगाई गई फसलों को MSP रेट पर खरीदने का काम करेगा और प्रत्येक गरीब आदमी को रहने को मकान मिले, प्रत्येक आदमी के सिर पर पक्की छत हो, इस प्रकार की योजना हमारी सरकार लेके आई। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा ने कहा कि राई हलका प्रदेश अध्यक्ष का अपना हलका है जहां की जनता ने इन्हें चुनकर विधानसभा भेजा है, इसलिए आज प्रदेश अध्यक्ष दीपालपुर गांव में पहुंचे हैं और चौपाल के निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई है। देखिए, ये राई विधानसभा माननीय प्रदेश अध्यक्ष की अपनी विधानसभा और इस विधानसभा से MLA बन के ही इन्होंने प्रदेश पे बुलंदियों पे गए हैं, जो इनका राजनीति कद बढ़ा है इन लोगों की वजह से बढ़ा है और आज इन लोगों की समस्या के लिए मोहन लाल जी गाँव में आए थे दीपालपुर गांव में। यहाँ प्रजापत चौपाल, अम्बेडकर चौपाल, एक कम्युनिटी सेंटर और जितनी भी गाँव की गलियाँ थी उनके विकास के लिए करोड़ों रुपये मोहन लाल जी ने आज घोषणा की है और मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ कि मोहन लाल जी ये राय विधानसभा एक ऐतिहासिक विधानसभा बनने जा रही है, क्योंकि जिस विधानसभा का अध्यक्ष प्रदेश का हो तो बहुत बड़ी बात है, लोगों में बहुत भारी उत्साह मोहन लाल जी के प्रति और मोहन लाल जी एक शरीफ व्यक्ति हैं। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं सोनीपत की छह विधानसभाओं में कमल का फूल खिलेगा और मोहन लाल बरौली जी को ये सोनीपत जिला मजबूत करके जैसे शिखर पे हैं ये और शिखर पर पहुंचाने का काम करेगा और सब लोग मजबूती से मोहन लाल जी के साथ हैं। इस दौरान राई हलके से कद्दावर नेता सत्यनारायण आंतिल ने बताया कि आज प्रदेश अध्यक्ष ने राई हलके के कई गांव का दौरा किया और आमजन की समस्या को सुनते हुए मौके पर ही उनका समाधान किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने बहुत अच्छे फैसले किए हैं, जैसे गरीबों को जो प्लाट दिए जाएंगे उसके लिए जो गाँव की जमीन एक्वायर की जाएगी उसके सर्कल रेट पर पंचायत को मुआवजा देने का काम किया जाएगा। इस दौरान सत्यनारायण आंतिल ने उनके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के फैसले पर भी प्रकाश डाला और कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार अच्छा काम कर रही है। आज हम राई हलके के पहले सबसे पहले खेवड़ा गांव में गए, वहां प्लॉटों की कुछ समस्या थी,
प्रदेश के अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी ने सारी बातें बहुत ध्यान से सुनी और 100-100 गज के प्लॉटों की जो बात थी वो उसी समय निपटारा किया कि सभी राई हलके क्या पूरे हरियाणा के सभी लोगों को जो है 100-100 गज के प्लॉट मिलेंगे। एक नियम बना दिया गया और सरकार ने पहली बार किसी सरकार ने ऐसा नियम बनाया है कि जो रिक्वायरमेंट जो पंचायत जगह देगी उसकी जो है वैल्यू लगा के सर्कल रेट की और सरकार उस पंचायत को पैसे देगी जी। और उसके बाद जो है ये कोई गुमान नहीं होगा कि भाई हमने फ्री जगह दे दी, सरकार पैसे देगी। ये एक अच्छी स्कीम जो है सरकार लेके आई है जी। आपने जो है आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, ऐसे क्या कारण रहे कि भी आपको पार्टी छोड़नी पड़ी और आपने बीजेपी को चुनना पड़ा? पार्टी की नीतियों से जो है मैं थोड़ा खुश नहीं था, मेरे विचार कैसे थे पार्टी के भिन्न थे, बार बार जो है अवगत करा गया, उसके बाद जो है कोई सुनाई न होने की वजह से जो है मैंने जो है ये स्ट्रॉन्ग फैसला लेना पड़ा जी। अब आपको क्या लगता है कि भाजपा के साथ मिलकर आप यहाँ पे तीसरी बार सरकार बना पाएंगे? मैं भाजपा सरकार को जो है देश के प्रति समर्पित भाव की पार्टी मानता हूँ। मानता हूँ कि एकाध कमियाँ रह गई होंगी, वो भी हम पूरा उनसे मिलकर जो है उनको गाइडेंस करके उनकी जो है सलाह देकर जो है प्रयास करेंगे कि राई हलके का क्या पूरे हरियाणा का जो है एक संपूर्ण विकास हो सके। और राई हलके का तो मैं बहुत जिम्मा लेकर चलूंगा कि हम 2-3 महीनों में कायापलट करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान भाजपा नेता राजेश दहिया ने कहा कि सरकार द्वारा MSP को लेकर की गई घोषणा से किसान काफी खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि अब किसान सरकार का साथ देंगे। मैं डॉक्टर राजेश दहिया किसान मोर्चे का उपाध्यक्ष हूं हरियाणा का। बीजेपी से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणाएं किसानों के हित में उससे सारे किसान खुश हैं और आज हमारे साथ हमारे जो मोहनलाल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने गांव का दौरा ले गांव की समस्याओं का समाधान किया है और जो ग्रांट आई हुई है उनको लगाने के लिए 1 महीने में पूरा करना काम करेंगे। धन्यवाद। क्या किसान आप भाजपा को समर्थन करेंगे 24? उम्मीद है कि किसान भाजपा समर्थन करेंगे। जगत महान न्यूज के लिए राय से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।